हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को फिर से ब्रिलियंट पंजी सेंटर में एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे सर्कल ऑब्जेक्टिव जो आप लोग के एस डब्ल्यू में दिए थे बनाने के लिए। तो कुछ लड़के सही बनाए हैं, कुछ गलत बनाया है। तो जो गलत बनाया है उसको हम फिर से क्या बोर्ड पर बना रहे हैं, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। तो लड़का लोग का कुछ का नाम था सर, एक शायरी बोल दीजिए, ठीक है। तो शायरी ध्यान से सुनिएगा। जो कल था उसे बुलाकर देखें, जो कल था उसे बुलाकर देखें, जो आज है उसे अजमाकर देखें, जो कल था उसे बुलाकर देखें, जो आज है उसे अजमाकर देखें। आने वाला पल खुद ही सवर जाएगा, आने वाला पल खुद ही सवर जाएगा, एक बार ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आकर देखें। इसी शायरी के साथ इस सवाल को हम लोग बनाएंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm दिया है, ठीक है। तो उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल योग का बराबर है। तो दो वृत्त की त्रिज्या दिया है, एक 19 दिया है, 9 दिया है। हमें तीसरा वृत्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बस हो गया, योग के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल जब हम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, पहले लिख लेते हैं दो वृत्त का त्रिज्या हम लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे R1 बराबर 19 cm, इसको मान लेंगे, और इसको मान लेंगे क्या, R2 बराबर 9 cm, ठीक है। तो एक तेरा ना तीसरा भी एक निकालिए, तीसरा भी त्रिज्या हम लोग मानेंगे। उस त्रिज्या का जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल के दोनों योग का क्या होगा, बराबर है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एक नए मानेंगे, नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R मान लेंगे, क्या मान लेंगे, R। यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो अब तरह के नए वृत्त की त्रिज्या R मान लेंगे, तो नए वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्त का त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नए वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्त का, दोनों वृत्त का योग, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देना है दोनों वृत्त का क्षेत्रफल लिखे हैं योग पर, योग हम जोड़ कर देते हैं यहाँ पे, या नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर है। तो दोनों वृत्त का कह रहा है, आप दोनों वृत्त के अलग लगा देंगे, तो यहाँ हम अलग अलग लिख देते हैं, पाई या स्क्वायर है। योग मतलब क्या होता है, जो ये एक वृत्त का हो गया, फिर इधर भी एक वृत्त का हो गया, ठीक है। दो कर आज दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हम अलग अलग लिखते हैं, एक लिखे पाई स्क्वायर एक वृत्त के लिए, फिर एक लिखे पाई या स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो पाई का पाई, ठीक है, नया वृत्त जो है, नया वृत्त आर स्क्वायर है, नया वृत्त आर क्या मान रहे हैं, बड़ा है, अलग करिए आप लोग, बड़ा मान रहे हैं, यहाँ 12 आप लिख देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे पाई का हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, पाई है, जिसका अलग ना करें आप लोग, पाई कर देंगे और करेंगे आर। अब देखो यहाँ पर R1 मान रखा है, तो यहाँ R1 कर दो, यहाँ R क्या कर दो, 2 कर, कोई दिक्कत, ठीक है। R1 का मान कितना हमारा है, 19, स्क्वायर कर देंगे 12, R2 का मान कितना है, 9, स्क्वायर कर देंगे, कुछ बंद कर देंगे। और देखो पाई से पाई कट जाएगी, ठीक है, क्यों आप लोग तैयार है, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर, अब 19 का वर्ग क्या होगा, 300, 100, और 9 का वर्ग क्या होगा, 81, आप उसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 442, और आर बराबर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। स्क्वायर हल कर सकते, ये हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप एक बार फिर से सवाल को बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसको मिला लीजिए और चार्ट पर उतारिए, नेक्स्ट सवाल कौन सा आप लोग करने ही बना है, जल्दी बनाइए, क्लियर है ना, किसको दिक्कत इसमें, नमस्कार, मिला नहीं है सब लोग, नेक्स्ट सवाल क्या बोलिए, कौन सा सवाल बोलिए, जीवा, हाँ बोलिए,
ये लंबाई बताइए। चलिए आप उतार लिए, हमने एक सवाल लिख दे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं, पृथ्वी के जीवा की लंबाई बताएं ना, यानी पृथ्वी के जीवा की लंबाई बताएं जो 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 cm की दूरी पर, 4 cm की दूरी पर ना। अब इसको हम बनाएंगे, यहाँ से देखिएगा, सवाल देखिए पहले कह रहा है हेलो यहाँ कह रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई बताएं। हम लोग किसको बताएंगे, वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना, जीवा की लंबाई निकालें, जो सबको पता है ना। यस सर। जो त्रिज्या को सीएम दिया है 6 cm, त्रिज्या कितना दिया है 6 cm। सबसे पहले सवाल का हम क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, सवाल खुद अपने से बन जाएगा, ठीक है। बस मुंड भैया सही होनी चाहिए, अब पढ़ावत बनी है या ध्यान रहे कहीं और नए सुख पर कहानी सुधा शेष हो जाएगा। दिमाग को एकदम कंट्रोल रखिए, ठीक है। 4 cm की दूरी पर कर रहा है, वृत्त के केंद्र से 4 cm में क्या है दूरी पर। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, बना लिए। उसके बाद वृत्त बनाने के बाद हम यहाँ पे एक त्रिज्या लेंगे, क्या लेंगे, पहले जीवा लेते हैं, क्या लेते हैं, मिलिए बोलिए। हाँ, ये मेरा सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर हो गया। बोर्ड पर कृपया ध्यान दें, और इसकी त्रिज्या कितना करा था भाई, 6 cm। इसकी त्रिज्या कितना करा था, 6 cm त्रिज्या हो गया, 6 cm त्रिज्या। हम वृत्त बनाएंगे, उस पर हम जीवा लेंगे, ठीक है। जीवा लेने के बाद में अब करके जो जीवा का जो सेंटर से जीवा का कितना सेंटर है, 4 cm का, कितना सेंटर है, 4 cm का है। चलिए 4 cm का ले लेते हैं यहाँ पे हम, कोई दिक्कत, चलिए इसका नाम दे देंगे ओ ए एम, और यहाँ क्या दे दें, टी दे देंगे, कोई दिक्कत दे देंगे, इतना समझ जाएंगे। और देखिए इसका नाम क्या दे दी, 6 cm के लिए दे दिया, और ये हमारा जीवा हो गया एपी, एपी क्या हो गया, जीवा हो गया, और जीवा का मध्य दूरी क्या हो गया, एम हो गया, और एम से ओ की दूरी कितना हो गया, 4 cm, कितना हो गया, 4 cm हो गया, क्लियर है। और कुछ नहीं करना है, अब त्रिभुज क्या लेना है हमको, त्रिभुज क्या ले रहे हैं, ए एम ओ में, कोई दिक्कत ले लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हम त्रिभुज ए ओ एम ले लेंगे, तो यहाँ पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाएगी, क्योंकि ये कोण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए एम स्क्वायर बराबर, क्या बराबर, ए एम स्क्वायर बराबर कौन हमारा क्या है, ए ओ, ए ओ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए एम स्क्वायर बराबर ए ओ का मान कितना है, 6 है, 6 स्क्वायर, ओ एम का मान कितना है, 4 है, 4 स्क्वायर, ए एम स्क्वायर बराबर 6 के, अच्छा चौके, ए एम बराबर कितना, ठीक है। अब 20 को तोड़ दीजिए, 20 रूट 20 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, चलिए 2√5 पूरा किसका आ गया, ए एम का 2√5 किसका आ गया, हमके पूरे जीवा निकालना है, क्या निकालना है, पूरा जीवा। तब देखिए हमारे पूरे जीवा का नाम क्या है, एपी, क्या नाम है, एपी। तो एपी बराबर जब हमारा आधा जीवा का मान आ गया है, तो पूरा के निकालने के लिए कौन से गुणा करेंगे, 2 से, 2 लिखेंगे गुणे। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, एम क्या कर देंगे, एम क्या कर देंगे, एम। तब एपी बराबर 2, एम का मान कितना है, 2√5, ठीक है। और देखो यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4√5, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, चलिए बता दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, सालों मिला लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है।
जल्दी जल्दी फटाफट ना चलो ध्यान दे बिल्कुल करिए की लंबाई चार सीएम है एकदम बाबू आसान से समझेंगे देखेंगे कह रहा है एक बिंदु ए से एक बिंदु ले लो ए और जो एक वृत्त के केंद्र ले लो वृत्त के केंद्र से ए की दूरी कितना कर रहा है पांच कितना कर रहा है पांच दूरी पर है और वृत्त पर जो स्पर्श रेखा ए से आ रही है उसकी लंबाई क्या है चार क्या पहले भाई वृत्त बना लेंगे क्या बना लेंगे वृत्त को बना लिए और ध्यान दो जब हमारी वृत्त बन गई तो कहता ए बिंदु कौन बिंदु कह रहा है ए बिंदु सेंटर से ए बिंदु ले लेंगे लिए सेंटर से क्या लेंगे ए बिंदु ए बिंदु ले लेंगे ठीक है सेंटर हमारा क्या हो गया ओ ठीक है इसकी लंबाई कितना कर रहे हैं आपके बुक में पाँच कितना सेम कर रहा है पाँच और एक यहाँ से रेखा द्वारा लेने के लिए जिसकी लंबाई कितना दिया है चार स्पर्श कर रहा है यहाँ पे जिसकी लंबाई कितना दिया है चार ठीक है तो अब यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करें क्या ज्ञात करें त्रिज्या ये पता है जहाँ स्पर्श होती है वो क्या रहता है शंकु क्या रहता है शंकु क्या होता है शंकु जब हम इसका नाम ले लेते हैं क्या नाम लेते हैं पी क्या नाम लेते हैं ठीक है तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या त्रिज्या ठीक है दिया है दिया है लेकिन ये वो कुछ ए पी ओ में कोई दिक्कत पी ओ बराबर क्या बराबर पी ओ स्क्वायर बराबर हमारे कौन इसमें क्या हो जाएगा फाइव ना तो ए ओ स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर तो पी ओ स्क्वायर बराबर ये वो हमारे पाँच स्क्वायर और ये कितना क्या है चार स्क्वायर तो पी ओ स्क्वायर पचास पच्चीस अच्छा चौके हटा दीजिए नौ बचेगा हाँ पी ओ बराबर है रूट में हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा आपका क्या हो गया कोई दिक्कत दिक्कत है उतना सवाल दस सवाल में आपको तो तीन सवाल पाँच तक दस सवाल क्या हो गया कोई दिक्कत चलो तो आज का वीडियो इतना ही और इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिए देखिए ठीक है अच्छे से पहले उतार लीजिए तो जल्दी करिए फर्क आप देखिए लड़का लोग का डिमांड है कि सर और बोल दीजिए ठीक है तो मैं जाते जाते गुड नाइट बोलते बोलते छोटी सी शायरी बोल रहा हूँ ध्यान से सुन रहा हूँ जिसके याद में हम दीवाने हुए जिसके याद में हम दीवाने हुए वही हमसे बेगाने हुए जिसके याद में हम दीवाने हुए वही हमसे बेगाने हुए जिसके याद में हम दीवाने हुए वही हमसे बेगाने हुए क्योंकि तलाश है अब उनको नए दोस्त की उनके नजर में हम पुराने हुए ठीक है तो सबको गुड नाइट सब लोग आराम से पढ़िए मस्ती से पढ़िए एकदम बंद करिए।